वेलकम फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग जो है वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा, उसको देखेंगे हम लोग। जैसे दो का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, भाग विधि द्वारा, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसको जो है लाइन खींच लेंगे और इसके अंदर जो है दो रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि दो को ले जाना है भाग विधि द्वारा, ठीक है, डिविजन मेथड द्वारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ले जाने से पहले जो है स्क्वायर का टेबल आना चाहिए। अगर हम किसी भी वर्गमूल को ले जाना है भाग विधि द्वारा, तो क्या करते हैं हम लोग कि एक का जो है टेबल एक बार पढ़ेंगे। अगर एक से ले जाएंगे तो एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर टू से ले जाएंगे तो टू का टेबल टू बार पढ़ेंगे, थ्री का टेबल जो है थ्री बार पढ़ेंगे। इस तरह से जो है हम लोग स्क्वायर रूट, ठीक है, भाग विधि द्वारा निकालेंगे। टेबल अगर पढ़ेंगे तो चार का टेबल, अगर चार से टेबल से जाने वाला है तो चार का टेबल जो है चार बार पढ़ेंगे। और ये स्क्वायर तो मालूम ही होगा, एक का जो है स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, यानी दो का स्क्वायर का मतलब दो गुणे दो, तीन का स्क्वायर का मतलब तीन गुणे तीन नौ, और चार का स्क्वायर का मतलब होता है चार गुणे चार यानी सोलह। इस तरह से टेबल हम लोग ले जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो है तो ये सिंपल जो है एक के टेबल से जाएगा, टू के टेबल से ये ले जाएंगे, तो टू के टेबल से ले जाएंगे तो टू के टेबल से दो बार में ले जाना पड़ेगा, जो कि जो है चार होता है। इसका मतलब कि ये चार से बहुत कम है, ठीक है, इसलिए टू के टेबल से नहीं ले जाएंगे, एक के टेबल से ले जाएंगे एक बार में। और एक के टेबल से एक बार में एक ही होता है, और एक से ले जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी एक होगा, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा यहाँ पर दशमलव, ठीक है, दशमलव में जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है इस साइड वाले क्या करते हैं हम लोग कि इधर वाले को जो है अंकों को जोड़ देते हैं, मतलब जो टेबल पढ़ेंगे उसको जोड़ देते हैं। तो एक से एक में ले जाएंगे तो ये एक एक कितना हो जाएगा दो, यहाँ पर जगह छोड़ के इस साइड में लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आगे टेबल पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। अब दो से एक में घटाएंगे तो जो है कितना क्या बचेगा एक, ठीक है, एक के टेबल से ले जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी एक लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको दशमलव में ले जा रहा है तो यहाँ पर जो है दशमलव बैठाएंगे। और जैसे भाग विधि द्वारा में जो है हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डिवाइड दशमलव करते हैं, तो यहाँ पर दशमलव बैठाने पर यहाँ पर एक जीरो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल निकालते समय क्या करेंगे हम लोग, दशमलव बैठाने के बाद यहाँ पर डबल जीरो बैठाएंगे, क्योंकि वर्गमूल में ये नियम है कि जो है दशमलव देने पर दो जीरो लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो है यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है, 100 हो गया, और यहाँ पर दो के बाद ऐसा नंबर रखेंगे कि उसी को जो रखेंगे नंबर उसी से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दो के बाद एक रखें तो एक से ही गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा एक का पहाड़ पड़ेंगे, ठीक है, एक रखेंगे तो 21 हो जाएगा, और एक से ही गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि बहुत कम है। यानी ऐसा टेबल रखना है यहाँ पर उसी से गुणा करेंगे जो कि यहाँ पर जो है 100 से के बराबर हो जाए या 100 से कम हो जाए, ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। आप जानते हैं कि भाग में भी जो है ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, ठीक है। अब जो है दो रखेंगे तो जो है 22 हो जाएगा, और दो से ही गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44। दो के बाद यानी इसके बाद ऐसा नंबर रखना है उसी से गुणा करना पड़ेगा, यानी तीन रखेंगे तो 23 बन गया, और तीन से ही गुणा करेंगे क्योंकि तीन रखे हैं, तो ठीक है ये हो जाएगा 79। और दो के बाद जो है जो कि 100 से बहुत कम है, दो के बाद चार रखेंगे तो चार से ही गुणा करेंगे, और चार से ये हो जाएगा 24 का पहाड़ा चार बार 96 हो जाएगा। अगर हम दो के बाद पाँच रखें तो 25 बन जाएगा, और पाँच से ही गुणा करना पड़ेगा तो 25 कितना होता है 125। यानी 100 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम नहीं ले जाएंगे, ये बराबर या कम ले जाएंगे, तो कम को ले जाएंगे तो यहाँ पर चार रखेंगे तो चार से ही ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 96। बाकी सब हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो केवल बचेगा चार, और इस साइड में क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो है यहाँ पर एक जगह छोड़ के इस साइड में लिखेंगे, यानी 24 में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार दशमलव बैठा देते हैं तो देखते हैं यहाँ पर चार से ले गए हैं तो यहाँ पर भी चार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव एक बार बैठा देते हैं, अपने से जो है भागा में एक जीरो बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल में दो जीरो बैठाएंगे। अब यहाँ पर 28 हो गया, 28 के बाद ऐसा नंबर रखना है जो कि उसी से गुणा करेंगे, और 400 के जो है ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, ठीक है, कम ले जाएंगे या बराबर ले जाएंगे। तो 28 के बाद एक अगर रखेंगे तो एक से ही गुणा करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 281। अगर दो रखते हैं, ठीक, 28 के बाद दो रखेंगे तो दो से ही गुणा करेंगे जो कि ज़्यादा हो जाएगा, 400 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक रखेंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा जो है लॉन्ग, ठीक है, खींच देते हैं। अब यहाँ से एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 281, ठीक। फिर उसके बाद इस साइड वाला जोड़ देते हैं और यहाँ पर जगह जो है छोड़ देंगे, 281 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 282, ठीक।
अब यहाँ पर जो है इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। अब 1 से लेकर हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, एक बार दशमलव बैठाते हैं तो अपने से 2 जीरो और बैठाते हैं। अगर इसी जो है वर्गमूल को लॉन्ग प्रोसेस यानी जो है और इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया ले जाना है तो ऐसे ही जो है 00 बैठा करके लंबी प्रक्रिया ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये बन गया अब 11900, ठीक है। तो 282 के बाद, 282 के बाद ऐसा नंबर रखें, ठीक, तो उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 5 रखते हैं तो जो है 5 से अगर गुणा करें, ठीक, ये हो जाएगा 5 2 1, यानी लगभग 11000 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 5 को नहीं ले जाएंगे, ठीक है। 282 के बाद हम 4 रखते हैं, 4 से ही गुणा करेंगे, ठीक है, 96, यानी 11296 हो जाएगा, जो कि जो है इससे कम है। इसका मतलब यहाँ पर 4 रख कर ले जाएंगे तो चला जाएगा, 4 से ले जाएंगे तो 11296, 4 बचेगा 0, यहाँ से हो जाएगा 8, ठीक है। और इसको जो है जोड़कर इस साइड को छोड़ देंगे और इस साइड में लिख देंगे, 4 से ले गए हैं तो 4 यहाँ पर भी रखेंगे, यानी वर्गमूल 2 का जो मान है दशमलव के 3 अंक तक 1.414 होता है। ऐसे ही जो आगे अगर निकालना है 4 अंक 5 अंक, यहाँ पर जो है 00 लेकर के और भी इसका जो है विभाजन प्रक्रिया लंबी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वर्गमूल लॉन्ग मेथड द्वारा निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जो है वर्गमूल 3 का जो है मान कैसे निकालेंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी भाग विधि द्वारा। तो ऐसा लाइन खींचेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे और 3 का जो है हम लोग वर्गमूल निकालेंगे जो है भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमको मालूम होना चाहिए कि कभी भी वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, भाग विधि द्वारा, तो टेबल पढ़ेंगे सेम नंबर वाला, यानी स्क्वायर का टेबल जैसे पढ़ेंगे, यानी 1 का अगर टेबल से ले जाएंगे तो 1 बार में ले जाएंगे, ठीक है। 2 का टेबल ले जाएंगे तो 2 बार में ले जाएंगे, यानी 4। 3 का टेबल ले जाएंगे तो 3 बार में ही ले जाएंगे, 9। इसका मतलब कभी भी वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 है जो कि जो है 1 के टेबल से ही जाएगा, 2 के टेबल से ले जाएंगे, 2 बार में से 4, यानी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 1 के टेबल से ले जाएंगे। तो 1 के टेबल से 1 बार में यानी 1, और 1 से ले गए तो यहाँ पर भी 1 लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। और इस साइड में क्या करते हैं कि हम लोग इसको जोड़ करके यहाँ पर जगह छोड़ के इस साइड में लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है बाएं। अब यहाँ पर जो है इसको दशमलव यहाँ पर लिखेंगे, दशमलव लिखने के बाद यहाँ पर जो है 00 बैठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 के बाद ऐसा नंबर रखना है जो 200 के बराबर या 200 से कम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना ले जाना है। तो 2 के बाद अगर हम 7 रखते हैं तो 7 से ही ले जाएंगे, ठीक है, 7 7 49, 7 2 14 4 18। अगर 8 रखेंगे, ठीक है, 8 से ले जाएंगे तो 8 64 16 26, यानी 8 रखेंगे तो 28 बन जाएगा, 28 का पड़ा 8 बार, ये ज़्यादा हो जाएगा 200 से और ये कम, इसका मतलब कि 7 से ले जाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 से ही गुणा करेंगे जो कि हो जाएगा 189, ठीक है। 7 से ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी 7 लिखना ज़रूरी है। अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, और इसको जोड़ करके एक जगह छोड़ करके इस साइड में लिखते हैं थोड़ा सा बाएं, ठीक है। तो 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। एक बार दशमलव बैठाने के बाद जो है यहाँ पर अपने से 00 लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पर 34 बन गया, 34 के बाद ऐसा नंबर रखें कि जो नंबर रखेंगे उसी का टेबल करना पड़ेगा गुणा, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 684, और 3 रखेंगे तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक, 9 3 4 12 3 9 1 10, यानी 1029। अगर हम यहाँ पर 34 के बाद 4 रखेंगे तो 4 बार से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 1029, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको घटाएंगे, 1 7 यहाँ पर अब नहीं बचेगा, तो 3 से ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 लिखना ज़रूरी है, और इसको जोड़ करके थोड़ा सा बाएं तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो 3 से 3 जोड़ेंगे, 6 4 3, 346 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है अब आगे प्रोसेस ले जाना है तो फिर क्या करेंगे, फिर 00 बैठा लेंगे, और यहाँ पर ऐसा नंबर से ले जाना है जो कि जो है 7100 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ही गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 2
चौके 8 1 9 दूतियाँ 6 ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 6 7 1 ठीक है, और यहाँ पर जोड़ करके थोड़ा सा बाएं साइड में कर देंगे यहाँ पे 2 2 4 और इधर 6 4 3। इस प्रकार से जो हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 से ले गए हैं तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो वर्गमूल 3 का मान जो है 1.732। इस प्रकार से जो लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा लोग ले जा सकते हैं वर्गमूल। जैसे देख लेते हैं हम लोग, अगर 10 का वर्गमूल निकालना है तो सिंपल सा क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 लिखेंगे और 10 को ऐसे टेबल से ले जाएंगे जो ठीक है स्क्वायर नंबर में। जैसे अगर 1 से ले जाएंगे तो 1 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार ठीक है, 3 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार, इस तरह से जो है स्क्वायर नंबर से इसको ले जाएंगे। तो 3 का जो है स्क्वायर कितना होता है 9 है, 3 के टेबल से ले जा सकते हैं। 4 से ले जाएंगे तो 4 का पाड़ा जो है 4 बार यानी 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 से जो है 3 बार में 9, और इधर 3 से ले गए हैं तो इधर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर इसमें जो है बचेगा कितना 1, और इसको जोड़ा जाता है थोड़ा सा बाएं तरफ लिखते हैं यानी यहाँ पर जगह छोड़ के 3 3 6। अब यहाँ पर आगे प्रोसेस ले जाना है तो क्या करेंगे, इस साइड में जो है दशमलव ले जाना है, लिखना है दशमलव, लिखने के बाद भागा में 1 0 लिखते थे लेकिन वर्गमूल निकालने में दशमलव लिखने के बाद जो है 2 00 लिखेंगे, तो ये बन गया 100, यानी 6 के बाद ऐसा नंबर रखना है ठीक है, उसी से गुणा करना पड़ेगा। अगर 6 से 1 रखते हैं तो 61 बन गया, और 1 से गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा। अगर 6 के बाद 2 रखते हैं तो 62 बन जाएगा, और इसे 2 से ही गुणा करना पड़ेगा ठीक है, 2 से करेंगे तो 4, 2 6 12, यानी 100 से ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो 100 है उसके बराबर या उससे कम रहना चाहिए, तो हम लोग को 1 रखना पड़ेगा। 1 रखेंगे तो 61 में 1 का गुणा करेंगे तो 61 होगा ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 9, और ये बन जाएगा 3 ठीक। अब 1 से ले जा रहे हैं, ले गए हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखना ज़रूरी है, और इस साइड में क्या करते हैं कि जोड़ते हैं और यहाँ पर जगह छोड़ के बाएं तरफ लिखते हैं, 1 कितना होगा 2, और ये वाला 10 6। एक बार दशमलव बैठाने के बाद हम लोग को जो है आगे 00 लिखते हैं ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे नंबर रखना है जो कि 3900 से जो है बराबर हो या कम हो, ज़्यादा नहीं ले जाना, तो 6 2 यानी 62 के बाद अगर हम 6 रखते हैं तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा ठीक। देख लेते हैं 6 से 6 में 36, 3 12 3 15, 36 37। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 से कर जाएगा तो लगभग जो है 627 में 7 करेंगे तो 4200 के पार जाएगा, इसलिए हम 6 से रखेंगे, तो 6 रखेंगे तो 6 से ही ले जाएंगे, और यहाँ पर जो है 36 यानी 3756 होगा ठीक है, इसको घटाएंगे 4 4, और ये हो जाएगा 8 में 7 जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 से ले गए हैं तो यहाँ पर भी 6 लिखना है ठीक, और इसको जो है जोड़ कर बाएं तरफ लिखना है, 6 6 12 2 80 1, तो इसमें जोड़ देंगे 3, और ये यानी 626 में 6 जुड़ेगा तो 632 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको आगे लंबी विभाजन प्रक्रिया ले जाना है वर्गमूल निकालने के लिए, एक बार दशमलव बैठा देता आगे 00 और उतार भी सकते हैं ठीक है, ऐसे लंबी विभाजन ले जाना है तब तो हम लोग को जो है लगभग दशमलव तक 3 अंक तक ले जाना है, इस तरह से निकाल सकते हैं ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 632 बन गया, 632 के बाद ऐसा नंबर रखना है कि उसी को गुणा करना है उसी से जो कि 14400 से बराबर हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा ना, तो अगर 3 से ले जाएंगे तो लगभग जो है ज़्यादा हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ठीक है 4 4 6 12 12644 हो जाएगा ठीक है, इसलिए हम लोग 2 रख के ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो है 632 के बाद 2 रखेंगे तो 2 से ही ले जाएंगे ठीक, कितना हो जाएगा 4 4 6 12 ठीक। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा 6 5, और ये हो जाएगा 3 13 13 में से 6 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, लगभग इतना बचेगा, और 2 से ले गए हैं तो यहाँ पर भी जो है 2 रखेंगे क्योंकि ये भागफल की तरह वर्गमूल उसका जो है निकल जाएगा, तो यहाँ से जोड़ के बाएं साइड में लिख सकते हैं इसको 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये 2 ये 3 ये 6 ठीक है। इस प्रकार से अगर आगे भी ले जाना है तो ऐसे लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ले जा सकते हैं। तभी हम लोग जो है 1 अंक और 2 अंक ले रहे थे वर्गमूल, आगे जो है और भी अंक अगर मान लेते हैं 3 अंक ले जाना है 4 अंक ले जाना है, जैसे मान लेते हैं 121 का ले जाना है, ये 3 अंक हो गया ठीक है। 3 अंकों का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दाएं साइड से जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो पेयर बनाएंगे ये हो जाएगा 21 एक पेयर और ये बच जाएगा 1, तो 1 जो है अकेले बन गया, इसलिए सबसे पहले 1 में ले जाएंगे ठीक है ठीक। अगर मान लेते हैं कि डबल पेयर में ले जाना है, जैसे मान लेते हैं कि जो है
इसका वर्गमूल निकालना है। तो इस साइड में हम लोग जो है पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर हो जाएगा, एक 96 बनेगा, इस साइड से एक और एक पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 12 में पढ़ेंगे टेबल, तो 12 को ले जाएंगे यानी सेम टेबल से। अगर एक के पारा से ले जाएंगे तो एक बार में, दो का पारा से ले जाएंगे दो बार में, तीन के पारा से ले जाएंगे तो तीन बार में, और चार के पारा से ले जाएंगे तो चार बार में। यानी 12 से कम हो जाए, बराबर हो जाए, ज़्यादा नहीं ले जाना। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग हमेशा जो है स्क्वायर टेबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं ऐसे अंकों के लिए आगे, वर्गमूल निकालते हैं तीन अंकों के लिए, चार अंकों के लिए। अब हम लोग देखते हैं जो है तीन अंकों के लिए, जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं कि 111 का वर्गमूल निकालना है, दशमलव में जाएगा, ठीक है, तो तीन अंकों में कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है इस साइड से जो है पेयर बना के चलेंगे, यानी दाएं साइड से पेयर लेंगे, ठीक है। पेयर का मतलब कि जोड़ा अंक लेंगे, तो इधर से जोड़ा अंक 11 बन गया और एक बच गया ये। तो इसको ले जाने के लिए हम लोग वैसे ही टेबल जैसे जो है एक अंक या दो अंक के लिए बनाते हैं, तो उस तरह से पढ़ेंगे। तो एक को ले जाएंगे एक के पारा से, ठीक है, वन के टेबल से ले जाएंगे, और वन का टेबल वन बार वन, और इस साइड में भी वन रखेंगे क्योंकि वन के टेबल से ले जा रहा है, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अब जो है पेयर नंबर उतरेगा, यानी जो जोड़ा लिए हैं पेयर लिए हैं दो दो अंक का, वो दोनों अंक उतरता है। भागा में क्या होता है कि एक ही अंक उतरता है ऊपर से, लेकिन जो है वर्गमूल में निकालते समय ये भाग विधि द्वारा इसमें डबल डबल अंक उतरता है ऊपर से, तो ऊपर से ये 11 उतरेगा, ठीक है। और इस साइड में क्या करते हैं, पहले भी जानते हैं कि जो है इससे पहले भी कि इसको जोड़ करके थोड़ा सा बाएं की तरफ खिसका देते हैं, तो यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, एक एक जोड़ेंगे तो कितना होगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 11 उतारे हैं तो ये अब किसी नंबर से नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर यहाँ पर दो के बाद कोई नंबर रखें, ठीक है, तो वो जो है क्या बन जाएगा, ज़्यादा नंबर हो जाएगा। इसलिए जो है क्या करेंगे, ये नहीं जाएगा, उसके लिए यहाँ पर जीरो रखेंगे और यहाँ पर भी जीरो रखेंगे, क्योंकि जो जीरो बार से टेबल ले जा रहे हैं इसका मतलब नहीं जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव रखेंगे। दशमलव रखने के बाद जो है आप जानते हैं कि यहाँ पर डबल जीरो उतर जाता है, अब इस तरीके से ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखेंगे, ठीक, ऐसा नंबर रखेंगे जो ले जा सकते हैं, यानी 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 रखते हैं, ठीक है। तो 5 से ही गुणा करेंगे, और 5 से 25, 5 दुना 10 इतना होगा, 75 बचेगा, ठीक है। और इस साइड में क्या करते हैं कि जोड़ कर यहाँ पर जगह छोड़ के इस साइड में लिख देते हैं, तो 210 हो जाएगा। आगे अगर ले जाना हो, देखिए 5 से ले गए हैं तो यहाँ पर भी 5 कितना ज़रूरी है, ठीक। अगर आगे बनाना हो तो यहाँ पर भी जो है डबल जीरो उतार दें, क्योंकि अब डेसिमल लिख दिए, पॉइंट लिख दिए यहाँ पर, अपने से जो है नीचे क्या होता है डबल जीरो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से जो है आगे ले जाना है तो लगभग जो है तीन बार से ले जा सकते हैं, ठीक, तीन से आप गुणा करके आगे ले जा सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 0 3 6, ठीक है। ये बचेगा 1 9, चार में से तीन जाएगा 1, ठीक है, 1, ऐसे जो है बना सकते हैं आगे। तीन से ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी तीन लिखना जरूरी है, और इसको क्या करते हैं जोड़ कर इस साइड में लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 2106। आगे अगर ले जाना है तो ऐसे भी जो है डबल जीरो बढ़ा के ले जा सकते हैं, ठीक है। एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं, जैसे तीन अंक का, इसे मान लेते हैं कि 256 को ले जाना है तीन अंकों में, ठीक है, तीन अंकों का है तो इसका वर्गमूल निकालना है 256 का, ठीक है। तो ऐसे नंबर को जो है हम देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो सिंपल सा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, दो से कितने बार में 12, ठीक है, 8, ऐसे अगर ले जाएंगे तो पेयर के रूप में अगर मिला तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी प्राइम फैक्टर का जो है पेयर के रूप में नहीं मिलेगा तब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो है भाग विधि द्वारा देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है तीन अंकों का जो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। तो इस साइड में हम जानते हैं कि जो है पेयर के रूप में लेंगे, तो पेयर एक ले लिए हैं और एक सिंगल बच गया है, तो इस टू को जो है हम ले जाएंगे, टू को ऐसे टेबल से ले जाना है जो, ठीक है, इक्वल हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो एक के टेबल से ले जाएंगे, क्योंकि दो के टेबल से ले जाएंगे तो दो बार में ही ले जाना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग जो है एक के टेबल से ले जाएंगे, एक के टेबल से एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। ऊपर से कभी भी उतारते हैं हम लोग तो पेयर ग्रुप में उतारते हैं, पेयर का मतलब कि दो दो अंक उतारेंगे, ये 56 जो है यहाँ पर उतर जाएगा टोटल, ठीक, दो अंक है तो दो अंक उतारेंगे। और यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि जोड़ करके थोड़ा सा बाएं साइड में लिखते हैं, यानी एक एक कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। आगे ले जाना है तो यहाँ पर ऐसा नंबर रखना होगा जो कि इसके बराबर हो, इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना ले जाना, यानी 2 के बाद ऐसा टेबल पढ़ना लिखना है।
दो के बाद अगर छः रखते हैं तो छः से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो छः से करेंगे तो छः 36, 14 12 3 15, यानी इक्वल आ गया। इसका मतलब कि जो है यहाँ पर छः से ले जाएंगे, छः बार में ही ले जाना पड़ेगा और 156 हो जाएगा, जो कि सेम टू सेम कैंसिल, सब इक्वल है। और यहाँ से इसको जोड़ करके इस साइड में लिखेंगे 26 36, यानी 6 से ले गए तो यहाँ पर भी 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कि 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16। ऐसे जो है भाग विधि द्वारा जो है निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जो है ऐसे ही चार अंकों के लिए, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे देख लेते हैं हम लोग को, जैसे मान लेते हैं कि 1024 का वर्गमूल निकालना है हमको, ठीक है, यानी 1024 का वर्गमूल निकालना है, ये चार अंकों में हो गया, ठीक। तब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जो है इस साइड में हमको पेयर का रूप ले लेते हैं। पेयर का मतलब होता है कि दो दो अंक लेंगे, इधर से दो अंक ले लिए, फिर दो अंक बचा, फिर दो अंक ले लिए, इसका मतलब कि दो को पेयर के रूप में बन गया अंक। अब यहाँ से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो अंकों में लिए हैं तो ये 10 है, 10 को ऐसे टेबल से ले जाना है, ठीक है, जो इक्वल हो, कम हो, ज़्यादा ना हो। इसका मतलब कि 10 को ले जाएंगे तो 3 के टेबल से ले जाएंगे, क्योंकि 3 का जो है 3 बार पढ़ेंगे तो 9, अगर 4 के पड़ा से ले जाएंगे तो 4 बार में 16 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 के टेबल से ले जाएंगे। यानी यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से ले जाएंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे इसके नीचे, और इसको जो है मतलब 3 से ले जा रहे हैं तो इस साइड में भी 3 लिखना पड़ेगा, जो कि भागफल में आता है वही वर्गमूल होता है। अब यहाँ पर 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 से 3 मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जोड़ करके थोड़ा सा बाएं साइड में लिखते हैं, 3 3 कितना होता है, 6। अब यहाँ पर जो है दो दो अंक ऊपर से उतरता है, क्योंकि जो वर्गमूल में ये नियम है कि ऊपर से जब भी उतारेंगे तो दो दो अंक करके उतारेंगे, जो कि भागा में हम लोग जो है क्या करते हैं, एक ही अंक उतारते हैं, यहाँ पर दो अंक उतारेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये 24 यहाँ पर उतर जाएगा, यानी अब यहाँ पर 6 के बाद ऐसा नंबर रखना होगा, ठीक है, 1 रखेंगे तो 61 होगा, 2 रखते हैं तो 2 से 2 दूना के 4, 2 छके 12, यानी इसके लगभग बराबर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और इधर क्या करते हैं, जोड़ के नीचे लिख देते हैं, 62 और 2 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम टू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से ले गए हैं यहाँ पर भी 2 लिखेंगे तो 1024 का वर्गमूल जो है 32 हो जाएगा। इस तरीके से जो और भी अंकों का निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि इतने बड़े अंकों का वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, तो हमेशा जो है दाएं साइड से जो है पेयर का रूप लेंगे, पेयर के रूप में अंकों को लेंगे, तो इधर में एक पेयर बनेगा, फिर एक पेयर में बनेगा, फिर एक जो है ये बच जाएगा सिंगल, तो अब इसको ले जाएंगे पहले, फिर उसके बाद पेयर उतारेंगे, फिर पेयर उतारेंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, तो ये एक को जो है एक से ले जाएंगे। इस प्रकार से द्वारा जो है हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है।